नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीप और आप देख रहे हैं टेक रोजाना, जहां हम बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसे हम यूज करते हैं रोजाना। तो नोकिया ने कुछ समय पहले लॉन्च किया था 6.1 प्लस, और उसी के साथ में नोकिया ने 5.1 प्लस के बारे में भी बताया था। तो आज नोकिया ने लॉन्च कर दी है उसकी ऑफिशियल प्राइसिंग। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं उसके इंटरनल स्पेसिफिकेशंस पर। जो नोकिया 5.1 प्लस है, इसमें हमें मिलने वाला है 5.1 इंच का HD प्लस डिस्प्ले। फुल HD नहीं है, HD प्लस डिस्प्ले इसमें हमें मिलेगा, जिसके अंदर हमें एक नॉच देखने को मिलता है। वहीं बात कर ले इसके इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की, तो इसके अंदर हमें मिलेगा मीडिया टेक का हीलियो P60 चिपसेट, जो कि एक बहुत ही एक्सीलेंट मिड रेंज चिपसेट है। उसके अलावा बात करें इसके रैम की, तो इसके अंदर हमें 3GB का रैम, 32GB की इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन मिल जाएगा। वहीं इसके अंदर हमें एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट इसमें हमें नहीं मिलेगा। बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें भी मिलेगा 3016 mAh की बैटरी, जिसके अंदर आपको 5 वोल्ट 2A का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, यानी कि फास्ट चार्जिंग इसमें आपको नहीं मिलेगी। उसके अलावा बात कर ले इसके कैमरास की, तो रियर में भी मिलेगा 13 मेगापिक्सल का F2 एपेचर का कैमरा, और साथ में भी मिलेगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। उसके अलावा बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में भी मिलेगा 8 मेगापिक्सल का F2.2 एपेचर का कैमरा। बात कर ले वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो इसके अंदर आपको 1080p तक आप वीडियो इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट इसमें नहीं मिलेगा। साथ में आपको मिल जाएगा एक 3.5mm का जैक भी, और इसके अंदर भी आपको नोकिया 6.1 की तरह ही ग्लास बैक मिलेगा। तो 2.5D गर्व ग्लास आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड पे मिलेगा, और इसकी प्राइसिंग जो है वो रखी गई है 10999, और ये होगा एक फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव फ़ोन, और इसकी सेल स्टार्ट होगी 1st October से। तो अगर बात करें इसकी प्राइसिंग में, तो नोकिया ने इस बार बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग पे इसे लॉन्च किया है। तो 10999 जो है बहुत ही अच्छा प्राइस है, एंड आई वुड से कि इस प्राइस के अंदर ये सबसे बढ़िया बिल्ड वाला फ़ोन डेफिनेटली मार्केट में अवेलेबल, जितने भी फ़ोन है उसमें सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसी फ़ोन की आपको मिलने वाली है। तो 11,000 में सबसे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी वाला फ़ोन यही होगा। इवन परफॉर्मेंस की भी अगर बात करें, तो हीलियो P60 जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग चिपसेट है, यानी कि स्नैपड्रैगन 636 को इजीली वो टक्कर देता है, इतना बढ़िया चिपसेट है। तो अगर बात करें 11,000 की रेंज में, तो आपके पास 11,000 के अंदर ASUS ZenFone Max 1 Pro अवेलेबल है, जो कि 332GB का, अगेन 11,000 का प्राइस है, लेकिन उसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 636, और उसके अंदर जो बैटरी है वो आपको मिल जाती है 5000 mAh की, और जो डिस्प्ले है वो एक फुल HD प्लस डिस्प्ले है। तो उस तरीके से इसके अंदर थोड़े कॉम्प्रोमाइजेज हैं, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही फार सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू ZenFone Max 1, या उसके अलावा अभी Realme 2 भी जो लॉन्च हुआ था, तो उसको भी बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा है बीइंग एक मेन ब्रांड के होते हुए नोकिया के। और क्योंकि नोकिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि जो सिक्योरिटी पैच अपडेट्स वगैरह है वो बहुत अच्छे देते हैं, और ये जो फ़ोन है ये भी एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के अंडर है, तो आपको सब लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन भी मिलेगा, फुल सिक्योरिटी भी मिलेगी, और पूरी तरीके का सपोर्ट भी मिलेगा। तो आई थिंक नोकिया ने इस बार जो है बहुत ही अच्छी प्राइसिंग के ऊपर इसको लॉन्च किया है। बस एक ही चीज़ देखना रहेगा कि इसके कैमरा का परफॉर्मेंस किस तरीके से आता है, क्योंकि नोकिया 6.1 के अंदर बाकी सब कुछ एकदम बढ़िया है, लेकिन जो कैमरा है वो थोड़ा सा कमज़ोर कहीं ना कहीं पड़ जाता है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसका कैमरा किस तरीके से निकल के आता है। तो क्या मुझे बताइएगा कि इस प्राइस रेंज के अंदर 10999 के अंदर क्या आप इस फ़ोन को लेना पसंद करेंगे या नहीं, मुझे बताइएगा इस ऊपर पोल के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही था, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे ज़रूर से एक लाइक कर देना, आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे दबा के जुड़ जाना हमारी टेक रोजाना फैमिली के साथ। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।